हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज सोनाली राड़िया, योर पेरेंटिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप्स के बारे में, कैसी होनी चाहिए रिलेशनशिप इसके बारे में। वैसे तो रिलेशनशिप में होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन इसके लिए एक अप्रोप्रिएट एज होना, थोड़ी सी मैच्योरिटी होना, सामने वाला इंसान कैसा है इसकी समझ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी सुधर सकती है और वी कैन ग्रो टुगेदर इन आवर लाइफ। लेकिन अगर हम किसी गलत इंसान के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। इसी से रिलेटेड आज मैं बात करने वाली हूँ। दोस्तों, आप नहीं जानते हो कि आपके बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार आप ये नहीं जानते हो कि क्या आपके बच्चे किसी रिलेशनशिप में है या नहीं, ये आप नहीं जानते हो। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी अच्छे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। अगर हमारे बच्चे किसी गलत इंसान के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि उनके पढ़ाई के ऊपर, उनके करियर के ऊपर, यहाँ तक कि उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। नाउ एज पेरेंट्स, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? हम एज पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ हमारे बच्चों को इसके लिए रेडी कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर देम मेंटली फॉर सेवरल सिचुएशंस। दैट इज़ आवर ड्यूटी एंड दैट वी शुड डू। तो आज मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको थोड़ी सी ऐसी बातें शेयर करूँगी जो मुझे लगता है कि आपको एज पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद समझानी ही चाहिए। अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं या तो आपके बच्चे टीनेज में एंटर करने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। इस टाइप के तमाम वीडियोज़ आपको मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर मिलते रहेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहली बात जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए वो है टीच देम टू बी लॉयल। ये चीज़ ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल ये देखा गया है कि टीनेजर्स, स्पेशली यंगस्टर्स, ये करते हैं कि एक टाइम के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स को हैंडल कर रहे होते हैं, उन बंदों में बिल्कुल भी लॉयल्टी नहीं होती है। तो ये चीज़ ना सोसाइटी के लिए गलत है, ये उनके फ्यूचर के लिए भी गलत है। सो फर्स्ट थिंग यू शुड टीच योर किड्स दैट ऑलवेज बी लॉयल इन एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। दैट इज़ अ गुड थिंग दैट यू आर टीचिंग योर किड्स। तो आगे जाकर डिवोर्सेज या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये बच्चों में आएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ आपको उनको पहले से ही सिखानी चाहिए। दूसरी बात जो आपको अपने बच्चों को समझानी है वो ये है कि किसी भी रिलेशनशिप को सिलेक्ट करने से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले ये चेक करो कि क्या दोनों का ग्रोथ हो रहा है लाइफ में या नहीं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि नई नई रिलेशनशिप में बच्चे जो है वो ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए पागल से हो जाते हैं। ये अपने पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, ये सारी चीज़ें जो होती है, जो इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, एंड देन एवरीथिंग गोज़ इन अ नेगेटिव वे। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू टीच योर किड्स कि पहले ये देखो कि क्या इस रिलेशनशिप में रहने से आपका ग्रोथ हो रहा है या नहीं। अगर हाँ तो रिलेशनशिप इज़ गुड फॉर यू, अदरवाइज यू शुड लीव इट। ये चीज़ ना इस तरह की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, ये आपको अपने बच्चों के साथ शेयर करनी ही चाहिए। तीसरी बात जो आपको अपने बच्चों को समझानी चाहिए वो ये है कि लव स्टोरीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन अ मूवी एंड इट इज़ डिफरेंट इन अ रियल लाइफ। असल ज़िंदगी में जो प्यार होता है, जो रिश्ता होता है, वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आता है। आज इसी के बारे में ना यंगस्टर्स को नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ प्यार करने से ज़िंदगी नहीं चलती है, ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो कोई गलत डिसीजन ना ले। सिर्फ लुक्स से ही ज़िंदगी नहीं चलती है, सिर्फ अट्रैक्शन से ही ज़िंदगी नहीं चलती है। उठकर काम करना पड़ता है, उठकर काम पे जाना पड़ता है, पैसे घर पे लाने पड़ते हैं, पैसों से ही सब कुछ चलता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये प्रैक्टिकल चीज़, ये बच्चों को समझाओ ताकि बच्चे किसी गलत रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में तो ना पड़े। ओके, चौथी बात जो आपको अपने बच्चों को समझानी चाहिए दैट इज़
टीच देम टू गिव फ्रीडम टू ईच अदर। ये चीज़ ना बहुत देखी गई है, जब टीनेजर्स या यंगस्टर्स रिलेशनशिप में होते हैं तो पजेसिवनेस के नाम के ऊपर फ्रीडम छीन लेते हैं, फ्रीडम टू ग्रो, फ्रीडम टू लर्न न्यू थिंग्स, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही नैरो हो जाती है तब। तो ये चीज़ आपको अपने बच्चों को समझानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर सिलेक्टिंग अ रिलेशनशिप ये चीज़ ज़रूर देखना। अगर ये सारी चीज़ें एक रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप इज़ गुड फॉर यू, अदरवाइज नॉट। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल विथ अवर किड्स, लेट्स टीच देम दैट वॉट रिलेशनशिप शुड बी लाइक। ओके, अगर आप एज पेरेंट्स एक हेल्दी वे में अपने बच्चों को सिखाओगे तो आई एम श्योर योर किड्स आर नॉट गोइंग टू फेल इन द रिलेशनशिप। That's all from my side for today. See you in my next video. Till then, happy parenting. Bye-bye. Stay tuned.